नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। बीबीएमबी मैनेजमेंट पर कथित तौर पर कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए आज बीबीएमबी के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा और इंटक द्वारा सतनाम सिंह के नेतृत्व में गेट रैली कर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कर्मचारी नेता सतनाम सिंह, तिलकराज बाली, नवीन और जशपाल इत्यादि ने कहा कि बीबीएमबी मैनेजमेंट द्वारा 211 के उपरांत भर्ती हुए तथा अन्य राज्यों से आए कर्मचारियों से बिजली बिल वसूल करने का फरमान जारी किए गए हैं और वह बिल 211 से ही वसूल किया जाना है। इसके अलावा बिजली और पीने के पानी की समस्या, कर्मचारियों की नई भर्ती ना होने से प्रतिदिन कर्मचारियों की घटती संख्या और मौजूदा समय में कर्मचारियों पर काम का बढ़ता बोझ, और यही नहीं, जो कर्मचारी मैनेजमेंट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो उनकी बदली कर दी जाती है, जिससे खफा होकर आज सांकेतिक तौर पर गेट रैली की गई है। अगर बीबीएमबी ने अपना रवैया ना बदला तो मजबूरन उन्हें संघर्ष का रास्ता और तेज करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी बीबीएमबी मैनेजमेंट पर होगी। 26 अप्रैल बड़े पत्र देते सांझे मोर्चे वोटां पा के कामयाब किया सी। ते एक हनीमून पीरियड हुंदा सरकारां दा भी संस्थावां दा भी, कि उस समय दे विच रह करके असीं प्रशासन दे नाल गलबात करके जिहड़े मसले हुंदे ने मुलाजमां दे जां प्रशासनिक मसले हुंदे ने उहनां तक असीं पहुंच करनी हुंदी है, ता कि उहनां मसलियां दा असीं बैठ के समाधान कढ के आने वाले समय दे विच असीं इक बड़े शांतमई ढंग दे नाल राष्ट्र दे निर्माण दे विच सेवावां कर सकीए। पर अफसोस के असीं अप्रैल तो लै करके अज तक मैनेजमेंट दे नाल सांझे मोर्चे वल्लों चिट्ठियां वख-वख विशेयां दे उत्ते लिखियां गईयां, वख-वख मसलियां दे उत्ते लिखियां गईयां, जिन्हां दे विच साडे जिहड़े 2011 तों मुलाजमां दे जिहड़े भर्ती होए सी उहनां दे बिजली दे बिल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2011 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਵੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कहा सिटी हलचल से बात करते सतनाम सिंह लादी ने पहले जे सुने। ना प्रदर्शन है इस करके हो रहा जी, साढ़े जेडे बीबीएमबी जी हैगी है मैनेजमेंट है, ये अपने जड़िया कर्मचारियों 2011 के बाद जो अपॉइंट हो उन्होंने बिजली के फ्री कंसैशन सूँ मिलते थे 200 तो लैके 250 यूनिट, वो इन्होंने जोड़ा है एक कोई पंजाब सरकार की लैटर हैगी 10 साल बाद जो क्ढण के बाद एक फरमान जारी करता कि ये जे नवे जे 2011 के बाद जो अपॉइंटमेंट हो जो ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਲਗਭਗ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, 3-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ 2-2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ
इन्हों के जोड़े इंपरूव ट्रांसफार्मर जो होर चीज़ा है वो कितने नाल जो मुलाजमान दमियां इन ज़्यादा हो गई कि सिर्फ इस बिजली पानी से ही सीमित हुई। भाखड़ा डैम के प्रोजेक्ट से भी उन्होंने मार पै रही है। हूँ लेटेस्ट इन कमियों मैनेजमेंट का दूर नहीं करती, साढ़े जोड़े मुलाजम से उन्होंने जीडिया है डंग टपाऊ नीतियां करके साड़ियाँ बदलिया की जा रही है। बदलिया हूँ लेटेस्ट भी जीडिया साढ़े मुलाजमान ददलिया की तू इतों भी कम लै लो, भाखड़े भी लै लो, इधर दफ्तर वाले का भी हालांकि इस दफ्तर का ही काम करे उस दफ्तर का भी काम करे नाल एक्सट्रा काम जो लै रहा यह सारे मुद्दों में लैके जो अज असी लामबंद की है रैली की है गेट मीटिंग साड़ी हुई सी। तो इस संबंध में असी जो है मैनेजमेंट को सुचेत कर रहे हैं। अज भी असी जो है इसे रैली के संबंध में जी इकट्ठे करके ही साडा परपज है कि मैनेजमेंट तक एक गल पहुँचाई जाए, नहीं तो इससे बड़ा जो असी होर जो आने वाले समय के एक्शन करेंगे। इस मौके पर क्या कहा तिलकराज बाली ने जे भी सुने। अज जी गेट मीटिंग रखी गई है उसके तहत एक बहुत बड़ा रोष साढ़े मुलाजमान पाया जा रहा जिस कारण साड़ी मानता प्राप्त जिन्हें नंगल भाखड़ा मजदूर संघ सांझे मोर्चे वालों एक गेट मीटिंग की जा रही है। इसे असी दो तीन मुद्दों लैके गेट मीटिंग की है जिस पहला मुद्दा नंगल दे विच बिजली और पानी की सप्लाई लैके जेड़े मुलाजम अब दिन रात की मेहनत करके इस भाखड़ा डैम तो बिजली पैदा करके पूरे उत्तर भारत को उज्जवल कर रहे हैं अज बड़े दुख की गल है। वो मुलाजम अज नेरे च बैठन मजबूर हो रहे हैं और लगातार कट लग रहे हैं। और जे तुसी स्ट्रीट लाइट की गल करो मैनू नहीं लगता नंगल च कोई खंभा इदा का होना जिसे पर लाइट बलती होगी। अज के टाइम पहला मुद्दा साडा यह है जी बिजली और पानी पिछले समय तुहानू पता हर बड़ा मीह पे उस घट्टो घट नंगल दे विच पांच सत्त दिन पानी इन्ना गंदा आया जिसे करके लोग बीमार हो गए और लोगों ने बड़ा दुख झेलिया। और असी अज की जी मीटिंग है इस मंग करते हैं भी बिजली और पानी की जी सप्लाई है वो BBMB कलोनी नाल लगते सारे शहर के लंगर शहर के बड़ी ढंग दुरुस्त की जाए। दूजी गल जी एजीटे अच्छ सा गेट मीटिंग है वह दूजा मुद्दा है साढ़े कुछ बंद मुलाजमान ददलिया की गई चलो बदलिया की कोई प्रॉब्लम नहीं बदलिया होंगे बट ये बदलिया जड़िया है ये इंटेंशनली की गई और साढ़े यूनियन का एक बड़ा अहदेदार जिसनों इंटेंशनली तौर पर बदलिया गया और सानू यह लगता भी उसने गेट एक साड़ी मीटिंग हुई सी मीटिंग दे विच जोर शोर न मुद्दों उठाया सी शायद उसे करके उन्हें हरासमेंट किया गया। सो आप मैनेजमेंट को बेनती करते हैं इस स्टेज तो इस गेट मीटिंग कि जल्दी तो जल्दी शहर के बिजली और पानी का दुरुस्त प्रबंध किया जाए। दूजा जिहड़ियां बदलियां है इन्हां नूं वापस लिया जाए नहीं तो जिहड़ी एजिटेशन है तो होर अगे जाके सिटी हलचल से बात करते क्या कहा नवीन चंद्र ने जे भी सुने। एक यूनिट जिहड़े 7-11 तो बाद जिहड़े बच्चे लगे सीगे उन्होंने सारे यूनिट जिहड़े फ्री कंसैशन से बंद करता सी बीवी मैनेजमेंट ने और उपरों उन्होंने रिकवरी भी बना दी और प्रोसैस इनिशिएट भी कर लगे सके। साड़ी मैनेजमेंट ने कई बार गल हुई कि यूनिट रिस्टोर करो और जी रिकवरी है बंद करो पर मैनेजमेंट जी बड़ी बजिद हो गई साड़ी गल चलती सी उत्थे जाके उन्हें हाँ कर देनी कि ठीक है अभी कहना मनते हैं कोई रिकवरी नहीं होने देवे सारे जोड़े यूनिट रिस्टोर करा पर बाद जी चिट्ठिया निकलदियाँ वो सारी एंटी इंप्लॉई होंगे सी जिदे कारण आप बार बार चीफ साहब भी रिक्वेस्ट की असी अपना NMC भी रिक्वेस्ट की होर अथॉरिटियों मिले पर कोई सिट्टा नहीं निकलिया अल्टीमेटली सू अज संघर्ष करना पिया। रवैये में बदलाव करता है जब कर्मचारी संगठनों को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।